ये ऐसा है जी, ये किसी प्रजातांत्रिक देश के लिए एक बहुत गंभीरता का विषय है सोचने के लिए। जिन बच्चियों ने, जिन बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया, तिरंगे को बहुत ऊपर लेकर गए और जनगण मन की जो आवाज़ थी वो विदेशी धरती पर भी सुनाई, ये इन इनकी वजह से थी। और इनको जिस ढंग से मतलब आज एक इग्नोर किया जा रहा है, मैं कहता हूँ इनको इनकी सुननी चाहिए, इनकी जो शिकायतें वो दूर होनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। सतपाल जी ने भी जो आवाज़ उठाई है उसकी उनकी आवाज़ को भी दबाया जा रहा है पुलवामा हमले को लेकर, उनको लेकर भी वो तो हमारी पार्टी का स्टैंड आ लिया। आज देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा देश के सामने आके खड़ा हो गया और पूरे हर जगह पत्रकार साथी यही सवाल पूछते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो हमारे बच्चे और बच्चियां जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा के दम पर जो है देश के तिरंगे को बहुत ऊपर लेकर जाते हैं और देश की जो जनगण मन की आवाज़ है वो गूंजती है विदेशी धरती पर इन लोगों की वजह से, और इनकी मेहनत और उससे देखे जाएं तो हम इनकी मेहनत को और इनके जज्बे को सलाम करते हैं, और जो इनके साथ अन्याय हो रहा है वो न्याय इनको मिलना चाहिए, इनकी आवाज़ सुननी चाहिए। इन लोगों की परिवर्तन यात्रा भी चल रही है, क्या कहना चाहोगे उस पर? तो कोई ना कोई कहाँ चल रही है पदयात्रा जो है, अभय सिंह लेकर चले हुए हैं। हाँ तो वो तो अपना अपने हर आदमी अपनी अपनी राजनीतिक सर्वाइवल के लिए करता है जी। उसका कोई ज्यादा दमखम की बात नहीं है। ठीक है, कल पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस की शैलजा आई थी, हमने संगठन के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि मेरा मन बड़ा दुखी है कि संगठन ना मैं बना पाई, बनने नहीं दिया और ना संगठन अब बन रहा, जबकि उदय भान को आपने चुन लिया है। इलेक्टेड जो एक प्रणाली होती है पार्टियों में, उसके बावजूद भी काजन साहब संगठन नहीं खड़ा हो पा रहा है। ये बहन जी, ये तो हाईकमांड का मैटर है। नहीं, वर्कर तो इंतजार करते हैं कि स्टार लगे तभी। हाँ, तो होना चाहिए, होना चाहिए किसी पार्टी की मजबूती के लिए। आप भी संगठन में रहे तो कब तक उम्मीद की जा सकती है संगठन? ये कर्नाटक के चुनाव के बाद आ जाएगी। कर्नाटक को कैसे देखते हैं आप? कर्नाटक में पॉजिटिव है सारा।